हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे DSEU के बारे में कि इसमें कौन सा एडमिशन सही लेना है, कौन सा सही नहीं लेंगे आप एडमिशन तो सही नहीं होगा, प्लेसमेंट क्या है इसकी, क्या है, क्या हो रहा है इसमें, क्या लिखा गया है, क्या शो ऑफ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये एक DSEU जो है ये 18 महीने या आप कह सकते हैं 2 साल से आ गया है, दिल्ली में है, दिल्ली में बना हुआ है एक कैंपस। तो ये क्या है कि जो दिल्ली की जो भी कॉलेजेज थी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाला वो सब एक तरह से ऐड करके एक तरह से यूनिवर्सिटी टाइप जो DSEU का लोगो दे दिया गया है वो एक ब्रांच हो गया है, और मतलब वो सब एक ब्रांच हो गए हैं, ये एक तरह से हेड हो गया है। जैसे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक हेड है और सब सारे ब्रांच वगैरह हैं, तो उसी टाइप का एक ये भी है DSEU करके है, तो ये भी एक तरह से ब्रांच है। तो अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है। हम इसके बारे में नहीं कहेंगे कि ये डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा के ही कॉलेजेस ऐड हुए हैं इसमें। तो इसके लिए जो जिस खिलाड़ी का जैसे कहा जाए तो जिस मैदान का जिसमें जो खिलाड़ी जो अनुभवी रहता है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है भाई, तो उसके लिए हम कहेंगे कि बेस्ट है। हालांकि हमारे सामने देख कुछ फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे उसमें एडमिशन लिए हुए हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं सेटिस्फाइड हैं वहाँ पे एडमिशन लिए हैं, तो कोई भी कैंपस मिले ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर आप डिप्लोमा के एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप एडमिशन लीजिए। हाँ, हालांकि यहाँ पे जो एडमिशन का फीस है वो 8,000, पहले जैसे कॉलेजेस थे जो ऐड नहीं हुए थे तो उनका फीस था 8,000-10,000 तक, लेकिन अब इसमें DSEU में जब तक ऐड हुए हैं तब तक उनमें 15,000-18,000 ऐसे फीस कर दिया गया है। तो हाँ, फीस का थोड़ा सा बड़ा है। और एक बात बता दें, अगर आप अदर स्टेट से होंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे या फिर इसमें अबाउट में जाकर देखेंगे तो आपको पूरी एकदम डिटेल्स की तरह लिखी हुई है। हाँ, हालांकि लोग कह रहे हैं कि एडमिशन 5,000 या 7,000 लोगों का हुआ था तो हम लोगों ने 5,000 को जैसे स्कॉलरशिप दिया है, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग खुद जा रहे हैं, हमें खुद स्कॉलरशिप नहीं मिली है, ना ही आई है, ना ही आएगी। तो आप लोग अगर स्कॉलरशिप के चक्कर में होंगे कि स्कॉलरशिप आएगी या फिर आ जाएगी तो ऐसा कुछ होगा नहीं, खास करके अदर स्टेट वालों को, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश कहीं के भी होंगे तो उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। और बाकी सब तो आप जानते ही हैं, पापा अगर सर्विस में होंगे या फिर कुछ ऐसा होगा तो उनको तो नहीं मिलेगी। और खास करके ये बातें हैं यहाँ पे कि अगर आप DSEU का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे देखेंगे तो वो वीडियो जो भी रिव्यू डाल रहे हैं उसमें कमेंट ऑफ कर दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा है क्या है। हालांकि हमारे यहाँ रिव्यू के लिए लोग आए थे, तो हमारा एक 2-3 क्लासमेट लड़के लड़कियाँ थे तो वो लोग रिव्यू दिए, तो वो काफ़ी मतलब एक तरह से जो भी दिए एक तरह से हम कहें कि क्या उसमें कर सकते हैं ठीक है। तो हम लोग हुआ कि ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ, हम लोग कमेंट में बता देंगे लड़कों को, भाइयों को, जो भी बहनें होंगी उन लोग को बता देंगे कैसा है क्या है ठीक है। लेकिन हम लोग कमेंट जब वीडियो अपलोड हुआ तो उसमें कमेंट ऑफ कर दिया गया था, तो हम लोग उसमें कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वो सब बोले हैं कि वीडियो बनाओ तो इसके अकॉर्डिंग लड़कों को पता चले और वो सब एडमिशन ले या फिर पूछो। तो अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हैं बीए या बीएससी या फिर यहाँ पे बीसीए करने पे, तो यहाँ पे लड़के, हम भी यूजी में हैं, तो हमारे क्लासमेट जो हैं वो सब अगर यहाँ पे 25% भी सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारा प्लेसमेंट होगा या हम सही एक तरह से गाइडलाइन में हैं, हमारी सही पढ़ाई हो रही, तो ऐसा 25% लोग नहीं है यहाँ पे जो स्किल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी हैं, मतलब बहुत सारे यूजी में अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंग्लिश स्किल उसमें ऐड किया गया, 6-7 सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन आपको खुद से ही पढ़ना है मैक्सिमम। बस वो लोग क्लास एक तरह से चला रहे हैं लेकिन आपको ही देखना है। लेकिन एक बात ये भी है कि आपको 8 बजे से क्लास जानी है और शाम 5 बजे तक आनी है। अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो आप क्या करेंगे, खाना बनाएंगे या पढ़ेंगे या क्या करेंगे, टाइम भी तो मिलना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए ठीक है, ये भी ख्याल रखिएगा। और स्कॉलरशिप का तो एकदम उम्मीद न रखिएगा अगर आप अदर स्टेट से होंगे तब। हाँ, एक इन लोगों ने बताया था कि बड़ी फॉर स्टडी से आप लोग भरेंगे फॉर्म जो अदर स्टेट से हैं तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि स्कॉलरशिप उससे भी मिलेगी, कुछ नहीं है। आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। आप यूजी में करेंगे, देखिए यूजी में जाकर वहाँ पे 40,000-45,000 फीस है यूजी का, कोई भी बीए बीसीए या बीएससी कर लीजिए। हाँ, हालांकि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो इसमें यह है कि बीटेक अगर आप करेंगे तो आपका 1,50,000 रुपया, जहाँ पर पहले लगता था 40,000 रुपया वहाँ पे 1,50,000 रुपया लग रहा है 1 ईयर का ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम 1,50,000 रुपये दे देंगे और हमारा 1,00,000 रुपया स्कॉलरशिप आ जाएगा, और लिखा हुआ है वीडियो में बता रहे हैं लोग कि 5,000 एडमिशन करवाए थे तो हम 4,000 का स्कॉलरशिप दिए, तो ऐसे वैसे तो जो भी बताया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मत कीजिएगा, हमारा यही सजेस्ट रहेगा। और अदर स्टेट के होंगे तो खास करके आप थोड़ा सा सोचिएगा, स्कॉलरशिप के चक्कर में एकदम मत रहिएगा, उम्मीद न रखिएगा, क्योंकि हम उम्मीद
बहुत सारा रखे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, फॉर्म फिल कर देंगे तब भी कुछ ऐसा नहीं आएगा कि आपका आ जाएगा स्कॉलरशिप, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारा बड़ा वीडियो हो जाएगा। और कोई भी दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करके बताएं, कुछ भी जानना है या कुछ करना है, क्योंकि यहाँ के हम स्टूडेंट हैं तो हम आपको कुछ बता सकते हैं जितना होगा, ठीक है। तो आपका जितना हो सकता है हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड या एडमिशन का क्या है कैसे है, हालांकि वैसे बेस्ट है जो भी है, ठीक है, एडमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एकदम पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्किल वगैरह जो भी है प्लेसमेंट नहीं होगा, तो सभी के अकॉर्डिंग ठीक होगा। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं, हाँ रिव्यू दे रहे हो, तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो क्यों कमेंट ऑफ कर रहे हो? आखिर रीजन क्या है DSAU का? अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऑफिशियल चैनल आ जाएगा, उसमें अगर आप कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें वो लोग कमेंट ऑफ नहीं किए हैं, सब में ऑफ किए हैं। तो आखिर में जो लड़के हैं वो क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, क्यों, आखिर क्या रीजन है? रीजन भी तो पूछो उन लोगों से कि क्या रीजन है। हाँ आप लोगों ने दे दिया हेल्पलाइन नंबर 3 बार 4 बार कॉल करूं तो उसमें एक बार रिस्पॉन्स दोगे, वो भी सही से नहीं बात करेंगे लोग, क्योंकि मैंने देख